चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र के बेसमेंट में रखा परमाणु ईंधन लगातार सुलग रहा है। ये किसी भी दिन विस्फोट कर सकता है। इस भयावह परमाणु संयंत्र में परमाणु ईंधन फिर से रिएक्ट कर रहे हैं। इसे रोकने का कोई तरीका एक्सपर्ट्स को समझ में नहीं आ रहा है। यूक्रेन में स्थित चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट के बेसमेंट में इस परमाणु बम की घड़ी टिक टिक कर रही है, क्योंकि इसके बेसमेंट में पहुंच पाना मुश्किल है। रूस और यूक्रेन की मीडिया में आई खबरों के अनुसार चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र के बेसमेंट में मौजूद कमरा संख्या 305/2 में पहुंच पाना मुश्किल है। यहां पर टनों परमाणु ईंधन रखा है। कुछ शोधकर्ता हिम्मत जुटाकर इसके बाहर तक पहुंचे, वहां पर उन्हें न्यूट्रॉन्स की मात्रा में बढ़ोतरी देखने को मिली। यानी 1986 में इतिहास का भयानक परमाणु हादसा करने वाले इस संयंत्र में फिर से परमाणु ईंधन में रिएक्शन हो रहा है। 305/2 नंबर कमरे में भारी मात्रा में पत्थर पड़े हैं, जिसके अंदर रेडियो एक्टिव यूरेनियम, जिकोरिनियम, ग्रेफाइट और रेत भरी पड़ी है। यहाँ पर रिएक्शन ने रौद्र रूप लिया तो ये ज्वालामुखी के लावे की तरह फट पड़ेगा। एक्सपर्ट्स की माने तो इस कमरे में रखे परमाणु पदार्थ लावा की तरह फटने के बाद फ्यूल कंटेनिंग मटेरियल में बदल जाएंगे। किसी जगह पर न्यूट्रॉन्स की मात्रा बढ़ती है तो ये माना जाता है कि FCM में फिशन रिएक्शन हो रहा है। यानी न्यूट्रॉन्स की मात्रा बढ़ती है, यानी यूरेनियम का केंद्रक टूट रहा है। इससे भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। UK स्थित शेफील्ड यूनिवर्सिटी के परमाणु एक्सपर्ट नील हयात ने कहा कि इस समय चेर्नोबिल के कमरा नंबर 305/2 में जो स्थिति है वो ठीक वैसी ही है जैसे कोई भट्टी धीरे धीरे गर्म हो रही हो। नील हयात ने कहा कि अगर बहुत ज़्यादा दिनों तक कमरा नंबर 305/2 को अनदेखा किया गया तो यहाँ किसी भी समय 1986 की तरह विस्फोट हो सकता है। ये फिर खतरनाक स्तर का रेडिएशन छोड़ेगा। इससे आसपास के इलाकों के लोगों की ज़िंदगी खतरे में आ जाएगी, क्योंकि 1986 में हुए विस्फोट से हज़ारों लोगों की मौत हुई थी। पूरे यूरोप के ऊपर रेडियो एक्टिव बादल छा गए थे। परमाणु ईंधन को बंद करने वाले कमरे का ढांचा बहुत पुराना है, ये आसानी से टूट सकता है। यहाँ विस्फोट होते ही चारों तरफ खतरनाक रेडियो एक्टिव खतरा फैल जाएगा, साथ ही हज़ारों टन मलबा निकलेगा। कमरे में पिछले 4 साल से लगातार न्यूट्रॉन्स के निकलने की मात्रा बढ़ती जा रही है। अगर घटना नहीं होती है तो भी ये न्यूट्रॉन्स अगले कई सालों तक ऐसे ही निकलते रहेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। एक स्तर पर आने के बाद इस कमरे में बड़ा परमाणु ईंधन विस्फोट के साथ फट जाएगा। अगर साइंटिस्ट कोशिश करें तो इस हादसे को रोका जा सकता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कमरा नंबर 305/2 में रखे परमाणु ईंधन को संभालना और उसे निष्क्रिय करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर इस समय जो रेडिएशन है वो इंसानों के लिए बेहद खतरनाक है। लेकिन रेडिएशन में काम करने वाले रोबोट्स ये काम कर सकते हैं। वो कमरे में ड्रिल करके न्यूट्रॉन्स को सोखने वाले पदार्थों को वहाँ पर रख सकते हैं। यूक्रेन लगातार इस बात की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में मौजूद इस परमाणु कचरे को साफ किया जाए। इसके लिए यूक्रेन की सरकार FCM को नियंत्रित करने के लिए सितंबर में किसी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का प्लान कर रही है।